बड़ा मलहरा थाना क्षेत्र के भगवा में एक प्रधान आरक्षक यूनिस खान के बेटे रानू खान द्वारा किए जा रहे अवैध उत्खनन के दौरान एक हादसे के कारण थाना पुलिस की पोल खुल गई। दरअसल प्रधान आरक्षक के बेटे का ट्रैक्टर रेत सहित पलट गया, जिसके कारण इसमें सवार एक 18 वर्षीय चालक कमलेश लोधी की मौत हो गई। मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने लाश रखकर थाने के सामने 4 घंटे तक हंगामा किया। परिजनों का कहना था कि पुलिस खुद रेत का अवैध उत्खनन करा रही है, जिससे उनके बेटे की मौत हुई है। यूनिस खान है जो मुंशी जी भगवा पुलिस थाने में, उनके लड़का हमारे घर आए और वे मेरे भाई को उठा के ले गए, कहने लगे चलो घुआरा मेरा बजरी का चक्कर डाल दे। और ऐसा कम से कम ये बजरी पर ट्रैक्टर 3 साल से लगातार चले है। पुलिस पैसा ले लेती है और ट्रैक्टर चलवाती है दिल दहाड़े खुलेआम, कोई भी उसकी कार्रवाई नहीं करती। भगवा पुलिस लेती है पैसा, घुआरा भी पुलिस लेती है, बड़ा मलहरा को पता नहीं है क्या काम हो रहा है वहाँ पर। हंगामे के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। मुंशी के थाने में ही उनके बेटे पर धारा 304 का मुकदमा दर्ज किया गया। तब जाकर पीड़ितों ने मृतक का अंतिम संस्कार किया। बहरहाल इस मामले के सामने आने के बाद ये साफ हो गया है कि क्षेत्र में अवैध उत्खनन के पीछे खाकी वर्दी के लोग ही शामिल हैं। 4 बजे करीब सर घर से सोता जगा ले गया है जी। कौन जगा के ले गया? सर रानू खान और लेबर को जबरदस्ती ले गए सर हमारे यहाँ से। अब जी सर सीधा मारने का साजिश था, सो उन लोगों ने मार दिया है। श्रीमान जी पुलिस यहाँ की भगवा थाने की पुलिस ऐसी है कि 5,000 रुपये महीना जो दे जाए तो चलता है ट्रैक्टर, नंतर नहीं चलता। और सब जो जो पैसा लेके भगवा थाने के पुलिस वाले कर रहे हैं सर, इनको जैसी कार्रवाई मिलत की वैसी इनकी कार्रवाई हो पुलिस वालों की। और सर जो पैसा में बिक रहा है तो सर जो बने शासन पर वो इनकी कार्रवाई की जाए।